गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ बाय कौशलेंद्र। सर, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मैट्रिक्स पर आधारित। इस प्रकार का प्रॉब्लम श्योर पूछा जाता है, हमने लिख दिया है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। हमने पिछले वीडियो में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाकर देखिए। आज हम लोग देखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से उस मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर है 3x3। ये 100% सवाल पूछा जाता है। चलिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है उस पर फोकस कीजिए, ये प्रॉब्लम है। तो हम मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स है ए, ए इज इक्वल्स टू है 2 - 3 3, 2 2 3, 3 - 2 2। ये एक मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स हमको निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो बहुत सारे इसमें स्टेप्स होंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा एक एक स्टेप का। पहले हमने क्या बताया था कि हम लोग लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू ए इंटू आई, किसी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिल जाता है। यानी ए इज इक्वल्स टू आपका हो गया मैट्रिक्स 2 - 3 3, 2 2 3, 3 - 2 2। ये एक मैट्रिक्स हो गया ए। यहाँ पर ए को लिखते हैं सिंबॉलिक तौर पर, और आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का ए है, यानी 3x3 का। तो 0 0 1 यहाँ हो जाएगा। इस लाइन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ए इज इक्वल्स टू ए इंटू आई हमने लिखा, ये मैट्रिक्स ए है। ये ए सिंबॉलिक फॉर्म में हुआ, ये यूनिट मैट्रिक्स आई हुआ। अब यहाँ हम लगाते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। हम आपको सिखाए थे कि यहाँ पर लगाएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो से रिलेटेड लगाते हैं। आप कॉलम से भी बना सकते हैं, रो से भी बना सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपने रो एक बार यूज कर लिया तो हर बार आपको रो ही यूज करना होगा, जब तक कि सवाल पूरा बना ना लीजिए। अगर आप कॉलम से बनाते हैं तो हमेशा कॉलम से ही बनाना होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं इसलिए कि ये जो मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड में, ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे होगा, उसी के लिए तो हम लोग लगाएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन रो के साथ, जो 3 है। कौन कौन सा ऑपरेशन है इसको जानने के लिए आप लेक्चर 15 जरूर देखिए, मैट्रिक्स का पार्ट 15, उसमें हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन को डिटेल से बताया। चलिए हम लगाते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, और ये कोशिश करते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाए इस मैट्रिक्स में, यानी यूनिट मैट्रिक्स में। यानी यहाँ हमको चाहिए 1, तो इस 1 को लाने के लिए क्या करते हैं, तो पहला ऑपरेशन करते हैं कि R1 को R3 से इंटरचेंज कर देते हैं। जब R1 को R3 से इंटरचेंज करेंगे तो मन से ध्यान से देखिएगा, ज़रा लिखना भी है समझाना भी है, ढंग से आप कॉपी पर लिखते चल जाइएगा। R1 को R3 से इंटरचेंज करते हैं तो बार बार यहाँ से लिखना होगा और यहाँ से लिखना होगा, तो बोलने में हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, मिट जाए कुछ, तो आप ध्यान दे कर करके मैट्रिक्स को देखिएगा। R1 को R3 से इंटरचेंज करना मतलब जहाँ R1 का एलिमेंट है वहाँ R3 हो जाएगा, और जहाँ R3 का एलिमेंट है वहाँ R1 का एलिमेंट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 3 - 2 2 2 2 3। उसके बाद हो जाएगा 2 - 3 3। यही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में होगा, यानी जो R3 में है वो R1 में चला जाएगा, 0 0 1। R2 में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, इस प्रकार से हमने ये किया। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि 0 मिल जाए, नहीं 1 मिल जाए। तो यहाँ 1 कब मिलेगा, जब R1 में से हम R2 माइनस कर देंगे, साथ ही साथ यहाँ 0 भी चाहिए तो R2 में से R3 कर देते हैं, यानी एक ही दो ऑपरेशन एक ही साथ कर लेते हैं। क्या हमने कहा, R1 को आप चेंज कर दीजिए R1 - R2, और R2 को चेंज कर दीजिए R2 - R3। समझ रहे हैं बात को, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, R1 - R2 कीजिए तो 3 - 2 हो गया 1, -2 और -2 हो गया -4, 2 - 3 हो गया -1।
फिर आर टू में से आर थ्री माइनस कीजिए, टू माइनस टू जीरो, टू माइनस माइनस थ्री फाइव, थ्री माइनस थ्री जीरो, और आर थ्री को छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं बात को? इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ, वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी होगा। तो पहले आर वन माइनस आर टू करते हैं, तो जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस वन, वन माइनस जीरो, फिर हो जाएगा जीरो माइनस वन, वन माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो, और वन जीरो जीरो। समझ रहे हैं बात को? कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। पिछले लेक्चर में भी हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन से बताया था बहुत सारा सवाल, और बनाने के लिए भी आप लोगों को दिए थे, आप लोग बनाए नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए, बनाइए। अब देखिए यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमको यहाँ वन आ गया और जीरो आ गया, यहाँ चाहिए हमको जीरो, यहाँ चाहिए जीरो। तो जीरो लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आर थ्री है, आर थ्री में आर वन का डबल माइनस कर दीजिएगा तो टू माइनस टू यहाँ जीरो हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ जीरो ले आते हैं, क्या कर रहे हैं हम, आर थ्री में ऑपरेशन कर रहे हैं क्या, आर थ्री माइनस टू टाइम्स ऑफ आर वन। इस लाइन के बाद ध्यान दीजिए, ये देखिए एरो लगा दिए हैं, इस लाइन के बाद फिर मिटाना पड़ जाएगा हमको, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखिए आर थ्री में से आर वन का दुगना माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब आर वन और आर टू में तो कोई अंतर नहीं होगा, तो आर वन का एलिमेंट लिख दीजिए वन माइनस फोर माइनस वन, जीरो फाइव जीरो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसको समझ लीजिए, ये पांच नंबर आपको फाइव मार्क्स गारंटेड देगा। अब देखिए आर थ्री में से घटा रहे हैं, टू में से घटाएंगे, आर वन का डबल तो वन का डबल टू, तो टू माइनस टू हो गया जीरो। बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, सोच के बताइए, माइनस थ्री माइनस माइनस एट, यानी माइनस थ्री और प्लस एट, यानी फिर से फाइव। और यहाँ देखिए थ्री माइनस माइनस टू यानी फाइव। समझ रहे हैं बात को? इधर भी राइट हैंड साइड भी वही ऑपरेशन होगा। तो अब क्या करेंगे, आर वन का एलिमेंट तो ऐसे ही लिख देंगे, आर टू भी वही लिखा जाएगा, आर थ्री में सोचना है, आर थ्री में से आप माइनस कर रहे थे आर वन का डबल, यानी वन में से माइनस कर रहे हैं जीरो का डबल, देखिए पेन देखिएगा, वन में से घटाएंगे जीरो का डबल, यानी वन ही तो रहेगा, फिर जीरो में से घटाएंगे माइनस वन का डबल, यानी जीरो माइनस माइनस टू यानी प्लस टू, फिर जीरो में से घटाएंगे वन का डबल यानी माइनस टू। समझ में आ गया ये स्टेप? अब देखिए आपको वन जीरो जीरो आ गया, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए यहाँ पर भी हो जीरो या यहाँ पर हो वन, तो आप दोनों में से कोई बदल सकते हैं, आप आर थ्री में से आर टू घटा दीजिए तब भी यहाँ जीरो आ जाएगा, या फिर पहले इसको वन ले आइए, यहाँ पर वन चाहिए, वन क्यों चाहिए, जबरदस्ती है, हाँ यूनिट मैट्रिक्स है, हमको ये ही चाहिए, ये वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन। ये बात ध्यान दीजिएगा, जब ऑपरेशन लगाइएगा रो का तो बनाइएगा कॉलम से, तो देखिए हमने एक कॉलम बना लिया, वन जीरो जीरो ले आया, अब हमको चाहिए जीरो वन जीरो, तो हम पहले या तो इसको जीरो ले आए या इसको वन ले आए, चलिए हम पहले इसको वन ले आते हैं, आप घर में बनाइएगा अपने से, पहले इसको ले आइएगा यहाँ पर जीरो, यानी आर थ्री में से आर टू माइनस कीजिएगा, ये दूसरा स्टेप हो गया, आप इसको घर में बनाइएगा। हम क्या करते हैं, आर टू में वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा ये एलिमेंट वन हो जाए, तो आर वन में तो कुछ करेंगे नहीं, आर टू हो जाएगा जीरो वन जीरो, अब आर थ्री में कुछ करेंगे नहीं, इज इक्वल्स टू ए इंटू, राइट हैंड साइड में भी सेम प्रोसेस, आर वन में कुछ नहीं होगा, आर टू में माइनस वन बाई फाइव, वन बाई फाइव, जीरो वन टू माइनस टू। ध्यान दीजिएगा मोटा पेन है, थोड़ा ध्यान हो दीजिएगा, फाइव है यहाँ,
सुनने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया बात यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ ले आते हैं जीरो। अब यहाँ जीरो लाने के लिए क्या करेंगे, तो आर थ्री में माइनस कर देते हैं आर टू का फाइव टाइम्स, फाइव माइनस फाइव हो जाएगा जीरो। तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए वन माइनस फोर माइनस वन, ये हो जाएगा जीरो वन जीरो। अब आर थ्री में से घटा रहे हैं आर टू का फाइव टाइम्स, यानी जीरो माइनस जीरो, फाइव माइनस फाइव, अब फाइव माइनस जीरो, जीरो जीरो फाइव, ये हो जाएगा आपका ए इंटू आर वन, वही लिखा जाएगा जीरो माइनस वन वन, माइनस वन बाई फाइव वन बाई फाइव जीरो। अब यहाँ देखिए क्या होगा, आर थ्री में से आर टू का फाइव टाइम्स माइनस कर रहे हैं, तो इसको फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव फाइव कट जाएगा, ये बचेगा वन, तो वन माइनस माइनस वन, यानी ये हो जाएगा टू। यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, वन बाई फाइव इंटू फाइव कट जाएगा तो बचा वन, तो टू माइनस वन यानी वन, और यहाँ क्या बचेगा माइनस टू, क्योंकि जीरो है। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ के बाद अब हम इधर लिखते हैं मिटा कर करके। देखिए जगह का कमी है और बहुत लंबा सवाल है, इसलिए ध्यान दीजिएगा बात को। अब इस लाइन के बाद हम यहाँ लिखने का कोशिश करते हैं, आप नोटबुक में स्टेप बाय स्टेप एक बार उतारिएगा और तीन चार पांच बार बनाइएगा। अब ज़रा देखिए इसी स्टेप पर फोकस कीजिए, ये लास्ट स्टेप था हमारा, ये यहाँ के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कर दिया, देखिए वन जीरो जीरो ले आया, यहाँ जीरो वन, यहाँ चाहिए हमको जीरो, तो यहाँ जीरो कैसे लाएंगे, तो यहाँ होगा आर वन को चेंज कर रहे हैं आर वन प्लस फोर आर टू। देखिए ये आर वन है ये आर टू है, इसमें आप चार से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस चार प्लस चार बराबर जीरो। तो देखिए आर वन में हम लोग चेंज कर रहे हैं आर वन को, समझ लीजिए वन में कुछ भी करेंगे जीरो के साथ वन रहेगा, माइनस फोर और प्लस फोर जीरो हो जाएगा, माइनस वन में जीरो रहेगा तो माइनस वन ही रहेगा, आर टू आर थ्री में तो कोई चेंजिंग होगा ही नहीं क्योंकि उसमें ऑपरेशन ही नहीं किए, ए इंटू फिर आर वन में करेंगे, इधर भी आर वन में आर टू का फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जीरो प्लस माइनस फाइव गुना फोर यानी माइनस फोर बाई फाइव, ये हो गया आपका माइनस फोर बाई फाइव। यहाँ देखिए माइनस वन है, इसमें आप ऐड कर रहे हैं आर टू का फोर टाइम्स यानी वन बाई फोर, वन बाई फाइव का फोर टाइम्स यानी फोर बाई फाइव, तो क्या मिलेगा माइनस फाइव प्लस फोर बाई फाइव यानी माइनस वन बाई फाइव, तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस वन बाई फाइव। तीसरा एलिमेंट क्या रह जाएगा, वन ही रह जाएगा, आर टू और आर थ्री यही रह जाएगा, माइनस वन बाई फाइव वन बाई फाइव जीरो टू वन और माइनस टू। अब आप देखिए इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद देखिए क्या करते हैं, अब हमको देखिए क्या आ गया वन जीरो 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 वन जीरो, हमको यूनिट मैट्रिक्स चाहिए, अब यहाँ भी क्या चाहिए जीरो और यहाँ चाहिए वन, यानी अब सवाल बनने के स्थिति में आ गया है, अब यहाँ हमको चाहिए जीरो और यहाँ चाहिए वन, तो पहले आप इसको वन कन्वर्ट कर दीजिए, इसको पहले वन ले आइए। तो वन लाने के लिए क्या कीजिएगा, आर थ्री को वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंत अंत तक वीडियो देखिएगा, ये 100% फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए या किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए, अब देश के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, अंत अंत तक वीडियो देखिएगा, ये नहीं कि बहुत टाइम लगा रहे हैं, सिखा भी तो रहे हैं, पूरा सीख जाना है। वन जीरो माइनस वन हम वीडियो बनाते हैं इसलिए कि आपको फायदा हो, नॉलेज का प्रदर्शन करने के लिए नहीं, उसके लिए क्लासरूम है, आप क्लासरूम में आ सकते हैं, देख सकते हैं, बैठ सकते हैं। सोशल मीडिया पर हम आपको ये बता रहे हैं कि आप अच्छे से सीख जाइए, एक 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 स्टेप को सीख लीजिए, इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने में बहुत ही परेशानी होती है, परेशानी इसलिए नहीं होती है कि यह बहुत टफ है, इसलिए होती है कि यह बहुत लेंदी है और लोग काम करने से डरते हैं,
करना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ और बहुत स्लोली बता रहा हूँ, स्टेप बाई स्टेप आप इसको फॉलो कीजिए और बार बार वीडियो देखिए, अगेन एंड अगेन एक एक स्टेप को समझिए और कहीं परेशानी है तो उसको बोलिए। चलिए R3 को हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -4/5 -1/5 और 1, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, जो R1 में है R2 में वैसे रह जाएगा। R3 में ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा -2/5, समझ रहे हैं बात को। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास देखिए ये हो गया 100010। अब सिर्फ यहाँ सिर्फ जीरो अगर मिल जाए तो ये पूरा यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जीरो कब मिलेगा, जब R1 में R3 को हम ऐड कर दें, R1 में R3 को ऐड कर देते हैं और इधर लिख लेते हैं। इस स्टेप को ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने कर किया है R1 में R3 को ऐड किया है, तो अब देखिए क्या मिल जाएगा, 1+0, 0+0, -1+1 यानी 0, R2 रह जाएगा, R3 रह जाएगा, A=A(ऑफ़। यहाँ देखिए R1 में R3 को ऐड किए हैं तो -4/5 + 2/5 ये क्या हो जाएगा, -2/5, -1/5 + 1/5 ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1 -2/5, देखिए तो 5 - 2 यानी 3/5, समझ में आ रही है बात। R1 + R3 किया था, यानी R2 तो हम कुछ किए ही नहीं है, R2 में जो है वही लिख देते हैं, तो -1/5, 1/5 और ये 0, ये 2/5, 1/5 और -2/5। अब ये हो गया आपका I = A और इसको मान लेते हैं B, और अगर A × B = I हो गया तो A का इन्वर्स हो जाएगा B, और B मैट्रिक्स है आपका क्या, B मैट्रिक्स बड़े में लिख देते हैं, B मैट्रिक्स आपका ये आया -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 और -2/5, यही इस सवाल का आंसर है, यानी जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना था ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सीख गए होंगे, अगर सीख गए हैं तो एक सवाल प्रैक्टिस में लिखिए और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप सीखे हैं कि नहीं, नहीं तो एक आख सवाल और बता कर कर करके हम इसमें आपको और प्रैक्टिस करवाएंगे। अदरवाइज हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, मैट्रिक्स अभी चल रहा है, मैट्रिक्स का टॉपिक ही होगा, मैट्रिक्स में हम और अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक सवाल मैट्रिक्स का और लिख लीजिए। एलिमेंट्री ऑपरेशन से आपको इन्वर्स निकालना है और मैट्रिक्स है 1, 3, -2, -3, 0, -5, 2, 5, 0। आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो आपको मिलेगा, हर एक ईयर में, प्रत्येक ईयर में इससे कोई ना कोई एक सवाल जरूर पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।